दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आलमगीर। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, हम सबको मरहबा है, सलाम। तो गाइस, आज एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार किस्म का वीडियो आपके लिए हमने सिलेक्ट किया है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज बन रहा है इंडिया में, तो उस पर हम जरा स्टडी देखेंगे। स्टडी आई क्यू की वीडियो है। हाँ, जो कि कनेक्टिविटी होगी नॉर्थ ईस्ट, है ना? मुझे नहीं पता कौन थी, आई थिंक ऐसी बर्न जो भी है, लेकिन लॉन्गेस्ट ब्रिज है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला है। तो अब देखते हैं कहाँ पे बन रहा है। जितेंद्र शर्मा ने हमें इसके लिए रिकमेंड किया था और उन्होंने कहा था कि यार इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाओ। हम तो कहते रहते हैं कि अगर किसी को अच्छी वीडियो मिले तो हमें जरूर रिकमेंड करें, लिंक भी साथ नाम भी लेंगे, लिंक भी साथ दें। तो चलते हैं अब, थैंक्स फॉर जतिंदर, और वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दुनिया के सबसे लंबे गर्डर रेल ब्रिज के बारे में, जो इस वक्त हमारे देश में बन रहा है और ये किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को बदल सकता है। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। SSC नबा, यहाँ से आप इसको परचेज एरिया है सारा, इसको हम कहते हैं मेनलैंड इंडिया, ठीक है? और फिर यहाँ पे आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मेनलैंड इंडिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। लखनऊ की कनेक्टिविटी महाराष्ट्र से काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं, काफ़ी रेल रोड है। मगर ये प्रॉब्लम है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ कि ये प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है बाकी इंडियन स्टेट से, इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स का जो ट्रेड है बाकी इंडियन स्टेट्स के साथ वो काफ़ी कम है। यहाँ पर चीज़ें पहुँचाने में, यहाँ से चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करने में कुछ प्रॉब्लम आती है। तो इसी को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार अभी ये ट्राई कर रही है कि यहाँ पर काफ़ी सारे रेलवेज, काफ़ी सारे हाईवेज के ज़रिए इस रीजन को भी कनेक्ट किया जाए बाकी इंडिया के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे मेन हम बात कर रहे हैं वैसे सेवन सिस्टर स्टेट्स की। हालांकि जब आप नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हो तो वहाँ पे सिक्किम भी आता है। तो जब हम सेवन सिस्टर स्टेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, इन सब स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। तो इन सब स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए वेरियस प्रोजेक्ट शुरू हुए थे। इसी में से जो एक प्रोजेक्ट है जो मणिपुर को आसाम से कनेक्ट करेगा, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है? ये रहा यहाँ पे मणिपुर, इसी कैपिटल है इम्फाल। तो इम्फाल की जो कनेक्टिविटी है आसाम से रेलवे के थ्रू अभी तक नहीं बन पाई है। हम 2018 में जी रहे हैं, अभी तक इम्फाल यहाँ पे रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कोशिश करेंगे, एक रेलवे प्रोजेक्ट से इम्फाल को यहाँ पर आसाम से जोड़ेंगे, फिर वेरियस और यहाँ पे सड़कों की मदद से ये इसका कनेक्शन बैठ सकता है यहाँ पर गुवाहाटी से, ठीक है? तो ये अभी के लिए प्लान है। अब देखो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। पहली बात तो आप पूरा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन देखोगे, यहाँ पे काफ़ी बार फ्लड्स आ जाते हैं, काफ़ी लैंडस्लाइड आ जाती हैं, और ये ज़्यादातर ब्रह्मपुत्रा और जो बराक वैली का एरिया होता है आसाम का, उसके आसपास काफ़ी रहता है ये प्रॉब्लम। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा इशू ये भी है कि एक बहुत ही लंबे टाइम से जो भी हमारा 5 ईयर प्लान बनता था उसमें नॉर्थ ईस्ट को कुछ हद तक निगलेक्ट कर दिया जाता था, उसकी कनेक्टिविटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। इसके वेरियस रीज़न थे, बाकी जो इंडिया था वहाँ पे कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे और प्रॉब्लम है, तो फंड्स एलोकेट करना हमेशा इजी नहीं होता। तो इसकी वजह से आज के टाइम में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो भी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, जो सारी यहाँ पे स्टेट्स हैं, जो कलर्ड स्टेट्स हैं, यहाँ पर हमारी जो टोटल नेशनल रोड्स हैं इनका बस 6% है, ओके? ये जो डेटा है ये मैंने योजना मैगजीन से लिया, तो गवर्नमेंट का डेटा ये, ठीक है? और सिर्फ 13% है नेशनल हाईवेज के, और जो नेशनल हाईवेज नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बाकी इंडिया से कनेक्ट करते भी हैं, उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। ये ऑफ कोर्स ज़्यादातर आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जो टेरेन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़रा आती है। अब देखो अभी के लिए रेलवे ने एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी ये उठाई है कि सारी जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारी स्टेट्स हैं उनके कम से कम जो कैपिटल हैं, राजधानियाँ जो हैं, उनको रेलवे लाइन से कनेक्ट किया जाए और बाकी इंडिया से उनको जोड़ा जाए, ताकि वहाँ पर अगर कुछ हमको सामान पहुँचाना है तो हम आराम से पहुँचा पाए। तो इसके लिए टारगेट रेलवे ने रखा है मार्च ये 2020 का। तो 2020 तक सारी जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सारी जो इनकी कैपिटल हैं, ये हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से यहाँ पे कनेक्ट होकर बाकी इंडियन स्टेट से जुड़ जाए। तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मणिपुर की, जो हम प्रोजेक्ट की अगर अभी हम बात करेंगे, तो ये जो मणिपुर एरिया है यहाँ से शुरू होकर यहाँ से इसको ये पहले जुड़ेगा आसाम तक, ठीक है? अब देखो जब हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं डिसकनेक्टेड है बाकी इंडिया से। अगर हम रेलवे लाइन की बात करें, मणिपुर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है NH2 पर,
और NH-37 पर। NH-2 में ऑफ कोर्स ये नुमालीगढ़ जो रीजन है यहाँ पे नागालैंड के थ्रू, अगर किसी रीजन की प्रोनंसिएशन बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैं यहाँ का नेटिव नहीं हूँ। तो उसके अलावा देखो जो NH-37 है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ये सिलचार जो है आसाम में आपको मिलेगा, सिलचार एरिया, उसके थ्रू मणिपुर को बाकी इंडिया से कनेक्ट करता है। सिलचार थ्रू में ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर फ्लड्स और भी आसपास जो पानी कभी बारिश आ जाती है उसकी वजह से ये जो हाईवे ज़्यादातर ऑपरेशनल रहता नहीं है। NH-2 में प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे ज़्यादातर धरने लगे होते हैं या फिर यहाँ पे बंद घोषित कर दिया जाता है या ब्लॉकेड लग जाता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी जो मणिपुर की कनेक्टिविटी है बाकी इंडिया से वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होती है। तो अभी के लिए हमारा प्लान ये है कि एक रेलवे लाइन बनाई जाए जो जिरबम से लेकर इम्फाल तक जाएगी और लिंक करेगी यहाँ पर मणिपुर को आसाम से, फिर बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये अभी हमारा प्लान है यहाँ पे ऐसे एक रेलवे लाइन बनाने का। अब देखो टॉलेस्ट ब्रिज के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा आपको ये बता दूँ कि अभी जो ये प्रोजेक्ट है जहाँ पे हम जिरबम, तुपाल और इम्फाल को कनेक्ट कर रहे हैं रेलवे लाइन से और ऑफकोर्स बाकी जो आसाम का रीजन है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना मुश्किल है और यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आई। देखो टोटल जो ये रेलवे लाइन है इसकी लेंथ है 111 किलोमीटर्स, ठीक है, काफ़ी लंबा एक ये रेलवे लाइन है। अब देखो ये रेलवे लाइन काफ़ी बार और वेरियस तरीके से भी मुड़ता है, तो इसी रेलवे लाइन के बीच में एक ब्रिज जाता है, ठीक है, काफ़ी ब्रिज है यहाँ पे, एक ब्रिज जाता है जो यहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा गेटेड ब्रिज होगा, ओके। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो अभी के लिए जो पूरी रेलवे लाइन है इसको बनाने के लिए यहाँ पर 1500 सिक्योरिटी पर्सनल डिप्यूटेड हैं, ये वेरियस यहाँ पे फोर्सेस से आते हैं, आसाम राइफल से, मणिपुर राइफल से, इंडियन रिजर्व बटालियन से, स्टेट पुलिस भी यहाँ पे तैनात है और फिर रेलवे पुलिस भी यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रही है। इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं इस प्रोजेक्ट को सैबोटाज करने की भी कोशिश कर सकते हैं। बीच में ये जो प्रोजेक्ट है इस पर काफ़ी बार प्रॉब्लम्स आई थी जब यहाँ के इंजीनियर्स अपडेट कर दिए गए थे और वर्कर्स को भी काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पे काम करने में, तो इतने डिफ़िकल्ट कंडीशंस में, ये तो खैर हम बात कर रहे हैं मिलिटेंट्स की, फिर आप अगर ज्योग्राफिकल रीजंस भी देखें यहाँ पे वो भी ज़रा ईजी नहीं है, बहुत ही तेज़ हवा चलती है यहाँ पर और ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है यहाँ के वर्कर्स के लिए, मगर तब भी वो इस रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और अभी जो इसकी डेडलाइन है वो है December 2020, ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इसको सैंक्शन किया गया था 2008 में, काफ़ी बार इसकी डेडलाइन मिस करी गई, अभी जो लेटेस्ट डेडलाइन है इसकी वो है December 2020। देखो यहाँ पे इस पूरे जो प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी सारी हैं और ये मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में नोट डाउन कर रखी है, ये आपको PDF में मिल जाएगी और काफ़ी हेल्पफुल है आंसर राइटिंग के लिए। एक तो है करीब 33 मिलिटेंट आउटफिट्स यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक ब्लॉकेट भी यहाँ पे लग जाता है, बंद लग जाते हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज बंद अनाउंस कर देती है तो उसकी वजह से काफ़ी बार जो मटेरियल लाना होता है बाकी इंडिया से यहाँ पे लाने में मुश्किल आती है। किडनैपिंग्स जो है वर्कर्स की वो काफ़ी एक कॉमन चीज़ है यहाँ पे। फिर जो NH-37 की जिससे सारी उम्मीदें थी, जिससे ज़्यादा जो यहाँ पे मटेरियल है लाना जाना था, उसकी हालत भी इतनी अच्छी नहीं है और यहाँ पर भी जो मशीनरी हमको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स टॉलेस्ट गिर्डर रेल ब्रिज के बारे में। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया, एक बहुत ही लंबी रेलवे लाइन है 111 किलोमीटर लंबी, उसमें एक ब्रिज होगा जो दुनिया का सबसे लंबा गिर्डर रेल ब्रिज कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात यहाँ पे ध्यान रखना, मैं जब गिर्डर बार बार कह रहा हूँ ना, ये एक टाइप होता है ब्रिज का, ब्रिज आप वेरियस टाइप के बना सकते हो, आज के टाइम में इंजीनियरिंग में वेरियस टेक्निक्स आ गई हैं, तो गिर्डर उसमें से सबसे कॉमन टाइप की टेक्निक है, इसी वजह से ये काफ़ी एक न्यूज़ में है क्योंकि ज़्यादातर जो आपको ब्रिज दिखेंगे दुनिया भर में रेल ब्रिज वो आपको गिर्डर दिखेंगे, तो उस श्रेणी में उस कैटेगरी में ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होगा। तो देखो ये जो दुनिया का टॉलेस्ट ये गिर्डर ब्रिज होगा इसका नाम है ब्रिज नंबर 164, ठीक है, ये याद रखना, ये आपसे शायद एग्जाम में पूछ सकते हैं, ब्रिज नंबर 164। और ये इसकी जो टोटल हाइट होगी वो है 141 मीटर्स। आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि कितना लंबा होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक कुतुब मीनार खड़े हो जाए, ठीक है, वैसे कुतुब मीनार तो एक ही दुनिया में, मगर इमेजिन कर लो कि कुतुब मीनार के ऊपर उसके जितना लंबा ही एक और स्ट्रक्चर हम खड़ा कर लें तो ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट यहाँ पे इस गिर्डर रेल ब्रिज की होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा लंबा होगा ये और इसलिए काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। अब ये किस ब्रिज का रिकॉर्ड तोड़ेगा,
अभी के लिए जो यूरोप में एक काफ़ी फेमस ब्रिज है माला रेकिया, ये एक बहुत ही लंबा ब्रिज है, ये आपको मिलेगा यहाँ पर मॉन्टेनीग्रो में, ठीक है, यूरोप में। इसकी जो हाइट है ये है 139 मीटर्स, तो इसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला है इंडिया का ब्रिज। ऑफ कोर्स इसको अभी लग जाएंगे, अभी 2018 में ये वीडियो बना रहे हैं, तो हो सकता है कि ये 2020 के एंड तक ये ब्रिज तक। तो गाइस ये थी वो वीडियो जिसके लिए मैं लोगों ने रिकमेंड किया था कि यार इसके ऊपर वीडियो बनाओ, और यार ये तो बन जाएगा ना, मैं देखना चाहूंगा क्योंकि मार्च तो आ गया, फरवरी एंड चल रहा है, ठीक है, और मार्च आ गया इसका मतलब कि ये तो फिर मुकम्मल हो गया होगा। और मैं ये सोच रहा था कि ये लोग मुश्किल क्यों डाल रहे हैं बीच में बनाने में, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, मतलब कि कुछ वो लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो, जिससे कनेक्टिविटी होगी, तो जो किडनैपर्स हैं या ये जो जो लोग हैं इनके बाहर के जो गलत किस्म के लोग हैं, ठीक है, उन तक पहुंचने की तक रसाई बढ़ जाएगी, ठीक है, और वो फिर अपनी जो मकासद है वो अपने मकासद से कभी पूरे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे होता है ना कि अक्सर एक नो गो एरिया बना होता है किसी तरह कि भाई ये तो एरिया बहुत खतरनाक है, इधर आप लोग नहीं, आप लोग ना जाए तो बेहतर है, तो ये नो गो एरिया में काम करना, ये ऐसी बना हुआ है कि जैसे नो गो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आप ना जाए, लेकिन जो जो सरकार है वो चाहती है कि इस नो गो एरिया को अब इस्तेमाल में लाया जाए और आवाम के लिए खोला जाए और यहाँ तक जो है और सामान की रसाई और हर चीज़ को यकीनी बनाया जाए, और उसके बाद ये जो लोग हैं जो जो के नहीं चाहते कि इस तरह काम हो इनका भी सफाया गया, ठीक है, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर इसीलिए काम किया जा रहा है ताकि आने वाले वक्तों में इनसे फ़ायदा हासिल किया जाए और इनको जो जो के नहीं चाहते ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो उनका खात्मा किया जाए। सही बात, तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा पूरे यहाँ के वासियों दासियों को, ईस्ट इंडिया और जो रहने वाले हैं इन सबको और उसके बाद पूरे इंडिया को, क्योंकि यहाँ तक कि जो लोग दिन की महरूमियाँ हैं वो महरूमियाँ ख़त्म होंगी, क्योंकि जो लोग अपना सामान भेजना चाहते हैं आगे वो जाएगा बनकर, क्योंकि मिसाल के तौर पर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया वालों की जो जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे बनती हैं वो पूरे नेचुरल है, तो नेचुरल चीज़ें सही बात है, जब वो पूरे देश में जाएंगी और लो कॉस्ट में जाएंगी तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा मुनाफा भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, उसके बड़े फ़ायदे हैं और लोग सफ़र भी आसानी से कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो बहुत अच्छा था, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा है आप जरूर बताना, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।